हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने आपको लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कराया था, सारडिक डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई थी, और डिटरमिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, किस प्रकार उसको खोलते हैं, प्रसार करते हैं, ये कल की लेक्चर में आपने खूब अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वाले वीडियो देख लें, तो हमारा कल वाला स्टार्ट कल से आगे आज नया टॉपिक बढ़ा। लेक्चर नंबर ये हमारा सेकंड है, ठीक है ना, और चैप्टर हमारा 4, चैप्टर नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सार में इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको सारणी का मान कैसे निकालते हैं ये कल अच्छे से बताया था, डेफिनेशन भी पढ़ा दी थी इसकी। आज इसका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है उपसारणिक एवं सैकड़, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं उपसारणिक क्या होती है। उपसारणिक जिसको कहते हैं माइनस, ठीक है ना। तो सारणिक अगर मान लो 2x2 है तो उसमें 4 अवयव होंगे, 3x3 का है तो 9 अवयव होंगे। तो प्रत्येक अवयव के उपसारणिक और सेकंड बनते हैं। अगर 2x2 का सारणिक है तो 4 उपसारणिक बनेंगे, 3x3 का सारणिक है तो उसके 9 उपसारणिक बनेंगे, ठीक है ना। मतलब अवयवों के सारणिक बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे a बराबर कोई एक आवयव है, aij टाइप का उसके अवयव है, और इसका क्रम मान लो समझ लो 3x3 है। केवल वर्गमूल का ही सारणिक बनता है, ये तो आपको कन्फर्म था। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये देखिए अब a का सारणिक क्या होगा, आवयव का चिन्ह हटाएंगे और सारणिक का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इस सारणिक को देखो 9 अवयव है, तो 9 ही इसके उपसारणिक बनेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक अवयव का उपसारणिक बनता है, ठीक है ना। जनरल में कहें उपसारणिक क्या होता है, तो इन अवयवों का बनता है। तो aij का उपसारणिक, aij का उपसारणिक डेफिनेशन बता रहा हूं। aij का जो उपसारणिक होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे a11 का, a12 का, जैसे मैं जनरल बात कर रहा हूं आपसे aij का, तो aij का उपसारणिक क्या होता है, आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ, आई की पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़ने पर, को छोड़ने पर बचा सारणिक होता है, सारणिक होता है। ध्यान से समझो, ए आई जे का मतलब जनरल बात कर रहा हूं, ए आई जे का मतलब कुछ भी हो सकता है, अरे वो एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है। तो aij का उपसारणिक क्या होता है, आई की पंक्ति और जे पे स्तंभ को छोड़ने पर जो बचा सारणिक होगा, से सारणिक होगा, उसी को कहते हैं उपसारणिक। किसका, aij का। और इसे mij, क्योंकि इसको माइनर बोलते हैं, ठीक है ना, से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, ठीक समझ में आ रही है। अब जैसे के लिए aij का मान इसमें से कुछ भी हो, ठीक है ना, अब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे a11 का उपसारणिक चाहिए आपको, a11 का उपसारणिक चाहिए, ठीक है ना। a11 का उपसारणिक क्या होगा, तो aij के उपसारणिक को mij से व्यक्त करते हैं, तो a11 के उपसारणिक को कैसे व्यक्त करोगे आप, m11 से। क्या लिखाया था,
ए आई ए का उपसार है, आई की पंक्ति तथा जे के स्तंभ को छोड़ने पर कच्चा सहायक होता है। तो अब ए वन वन का सहायक क्या हुआ, आई की जगह पर माने जे की जगह पर माने, आई की पंक्ति छोड़ेंगे मतलब पहली पंक्ति छोड़ेंगे, जे वा स्तंभ मतलब पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति छोड़ देंगे और पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ने पर सहायक नहीं तो रह जाएगा, ठीक है ना, तो यही कहलाता है इसका उपसार। कौन ए टू टू ए टू थ्री, ए टू टू ए टू थ्री और ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ए थ्री टू ए थ्री थ्री, समझ में आ गई नहीं अगली बात। अब इसको चाहे तो सरल कर दो भाई, इसका मतलब प्रत्येक सहायक का मान देखो निश्चित होता है टू क्रॉस टू का हो या थ्री क्रॉस थ्री का, लेकिन ये है ना ये वाला सहायक ये इस ए वन वन का ऐसा उपसहायक है, मतलब हमने पहली पंक्ति छोड़ दी पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं आपको ए वन टू का उपसारणिक निकाल के बताऊं, ए वन टू का उपसारणिक क्या आएगा, सीधी बात एम वन टू क्या करोगे, पहली पंक्ति छोड़ दोगे, दूसरा स्तंभ ए टू वन ए टू थ्री, ए टू वन ए टू थ्री, और क्या बचेगा, देखो पहली पंक्ति छोड़ दी है और दूसरा स्तंभ छोड़ना है, पहली पंक्ति दूसरा, तो ए टू वन ए टू थ्री, ए थ्री वन ए थ्री थ्री, ये इसके आंसर है, ठीक है ना। चाहे तो इनको अगर प्रसार करना चाहो तो इसका मान निकाल सकते हो, लेकिन यही कहलाता है उपसार है। तो इसको सरल करना चाहो सरल करो, ऊपर का बड़ा नीचे माइनस नीचे का बड़ा ऊपर, तो क्या आएगा ए टू टू ए थ्री थ्री, जो कि आपने पिछली क्लास में देखा था माइनस के ए थ्री टू ए टू थ्री, इसको मान निकालना चाहो तो ए टू वन ए थ्री थ्री ऊपर का बना नीचे माइनस नीचे का बना है ऊपर ए थ्री वन ए टू, आ गई होगी बात समझ में। इसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटा था ए वन वन में, इसमें पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसी प्रकार आप निकालते चलेंगे। तो इस सहायक का कितने अवयव हैं आप बताइए, तीन क्रॉस तीन के बराबर आपका सहायक था ये नौ अवयव थे, तो इसके नौ ही उपसहायक उसको आप एफ आई जे लिख देंगे,
और क्या क्या कहा था, उचित चिन्ह के साथ उपसारणी। उचित चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह होता है ध्यान रखना माइनस वन की पावर आई प्लस, क्या होता है माइनस वन की पावर आई प्लस जी के उचित चिन्ह के साथ उपसारणी। और ए आर जी का उपसारणी क्या होता है, हमने पढ़ाया था एम आई जी, क्या होता है एम आई जी। और एम आई जी कैसे निकालते हैं, वही आई की पंक्ति को छोड़ देते हैं और जी में इस पंक्ति को, ये फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, ठीक है ना। ये ए आई जी का सेकंड क्या होता है एफ आई जी, या इसमें सी आई जी कैपिटल ए आई जी, आपकी किताब में एफ आई जी है ये दे रखा हुआ, कैसे भी लिखा जा सकता है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो ए आई जी का सेकंड ऐसे व्यक्त करना है जैसे ए वन वन का सेकंड, ए वन वन का सेकंड, ठीक है, इससे व्यक्त करो एफ वन वन से, क्या आएगा फॉर्मूले में लगा दीजिए माइनस वन की पावर वन प्लस वन एम वन वन। अब माइनस वन की पावर सम करोगे तो क्या आएगा प्लस, और एम वन वन का मान कैसे निकालोगे, ये क्या है ए वन वन का उपसारणी। क्या करोगे, पहली पंक्ति छोड़ दोगे पहला इसका, पहली पंक्ति पहला इसका, ए टू टू अभी निकाला था ना पिछले पंक्ति में, ए टू टू ए टू थ्री ए टू टू ए टू थ्री, ये क्या है ए थ्री टू ए थ्री ए थ्री टू ए थ्री, चाहे हम इसको सरल करके लिख दो, समझ में आ रहा है। ऐसे ही ए वन टू का सेकंड क्या आएगा, ए वन टू का सेकंड, ठीक है ना, क्या आएगा इसको आप ए वन टू कहोगे, मेन फॉर्मूला समझ में आना चाहिए आपके, ए वन टू का सेकंड क्या होगा माइनस वन की पावर वन प्लस टू एम वन, ठीक है ना, माइनस वन की पावर आई प्लस एम आई। अब माइनस की पावर कैसा है, विषम हो गई एक और दो तीन, माइनस वन की पावर थ्री करोगे तो माइनस आएगा, अरे माइनस की पावर सम होती है तो प्लस आता है, और माइनस की पावर विषम हो तो माइनस का भी माइनस आ जाएगा। और ये एम वन टू ये अभी आपने पिछले उसमें निकाला था पहली पंक्ति दूसरा हिस्सा, ये देखिए पहली पंक्ति दूसरा हिस्सा, ए टू वन ए टू थ्री ए टू वन ए टू थ्री, और यहां से क्या आएगा ए थ्री वन ए थ्री थ्री। तो मुझे लगता है सरल करना चाहो सरल कर लो, ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल जैसे उपसारणी होते हैं वैसे ही सेकंड होते चिन्ह लगाते चलते हैं। अब ये देख लो माइनस वन की पावर में का चिन्ह देखते चलो, जैसे एम वन वाले ए और ए को जोड़ोगे तो प्लस का आएगा, तो प्लस का लगाना है ए और को माइनस का आएगा, कोई सम आएगा तो माइनस का लगाना है, सम आएगा तो प्लस का। तो जैसे उपसारणी निकलते हैं वैसे ही सेकंड निकलते हैं, क्लियर है, ठीक है। इस पर दो प्रमेय आती है उनको ढंग से समझना है, ठीक है ना, ये रिजल्ट है याद भी रखने का, ठीक है ना। दो महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ा रहा, ये याद भी रखना है रिजल्ट, ठीक है ना। जैसे कोई भी सारणी दे रखा है, सारणी ए का डिटरमिनेंट कह दो, या मान लो आदमी सारणी की तरह का ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री टू, और सपोज करो ये इसके संगत सेकंड है, हमने प्रत्येक का सेकंड निकाल दिया, यह समझ लो, ठीक है ना, प्रत्येक का हमने क्या निकाल दिया है सेकंड, ठीक है ना, ये हमने सेकंड निकाल दिया कोफैक्टर्स क्या है इसका, एफ वन वन एफ वन टू एफ वन थ्री एफ टू वन एफ टू टू एफ टू थ्री एफ थ्री वन एफ थ्री टू एफ थ्री थ्री, ये हम इसके सेकंड लेंगे, चूंकि निकाले जा सकते प्रत्येक अंक सेकंड निकलेगा, नौ सेकंड निकलेंगे, नौ ही साढ़े तीन निकलेंगे। तो यहां पर दो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सारणी को आप डेटा से भी व्यक्त कर सकते हो, अगर कोई आदमी ए है उससे बनाए तो उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए भी कह सकते हो, तो ए भी बात है। तो प्रमेय नंबर फर्स्ट क्या कहती है, ये वो ये कहती है कि सारणी क्या
ताकि किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव होगा। पहली पंक्ति ले लो या पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति या दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति या तीसरा स्तंभ, सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का उसी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग सारणी के प्रसार के बराबर होता है। मतलब सारणी का जो प्रसार करते थे ना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के सापेक्ष या दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के सापेक्ष किसी के सापेक्ष उसी के बराबर हो जाता है, प्रसार हो जाता है, विस्तार हो जाता है। क्या कहना चाह रहा हूं जी को मैं, सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ, सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का उसी पंक्ति चाहिए तो पहली पंक्ति ना, पहले ही पंक्ति के सेकंड लेने हैं, उसी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत करस्पॉन्डेंस, इस पंक्ति का पहला इस पंक्ति का भी पहला, ठीक है ना, मतलब पहली पंक्ति का पहला या पहली पंक्ति का पहला सेकंड, ऐसे समझना। तो सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का उसी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सहखंडों के साथ, थोड़ा मैंने विस्तार करके लिख दिया, गुणनफल का योग ठीक है ना, सारणी के विस्तार या आप कह सकते हैं इसको प्रसार के बराबर होता है। शॉर्टकट में बात करी जाए तो सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का उसके संगत सेकंडों के साथ गुणनफल का योग सारणी के प्रसार के बराबर होता है। जैसे पहली पंक्ति के अवयव लिए हैं तो पहली पंक्ति के सेकंड लिए जाए उनके संगत गुणनफल का योग, तो पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे के साथ, वो डायरेक्ट सारणी के प्रसार के बराबर होता है। अपने आप चिन्ह आ जाते हैं प्लस माइनस प्लस, आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, जैसे मैंने आर वन के अवयव लिए और आर वन के सेकंड लिए, जैसे ए वन वन एम वन वन प्लस ए वन टू एम वन टू प्लस ए वन थ्री एम वन थ्री, मैंने क्या किए आर वन के अवयव एवं आर वन के ही सेकंड लिए, ठीक है ना, पंक्ति चेंज मत कर देना, ठीक है ना, जो पंक्ति ले रहे उसी के सेकंड लोगे, उनके गुणनफल का योग करोगे तो ये पूरा जो रिजल्ट है ना इसका मान सारणी के मान के बराबर आएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए ये पूरा जो कार्य हो रहा है ये आर वन के सापेक्ष प्रसार हो गया, कार्य सापेक्ष हो गया आर वन, शॉर्टकट में समझा जाए तो ये समझ लो आर वन के सापेक्ष ही विस्तार हो गया। मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है ना, ये अगर मान लो हमने जरूरी नहीं है, मैंने कहा कोई भी पंक्ति अथवा स्तंभ ले सकते हो, जैसे आपने दूसरा स्तंभ ले लिया, देखो स्तंभ ले रहे हो तो स्तंभ के सेकंड लेने पड़ेंगे, पंक्ति ले रहे हो तो पंक्ति के उसी के, तो जैसे मैंने मान लो सी टू के अवयव ले लिए, सी टू के अवयव एवं सी टू के ही ले लिए सेकंड, ये समझो, और इनके गुणनफल का योग करूंगा ना मैं, ये भी सारणी के मान के बराबर आएगा। जैसे C2 ये रहा दूसरा स्तंभ और दूसरे स्तंभ की सेकंड ले रही, तो A1 टू F1 टू, थोड़ा सा अभी अटपटा लग रहा है लेकिन सवाल करेंगे आपकी समझ में आते चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, पढ़ना है, इसको समझना है। तो A1 टू F1 टू प्लस दूसरा, ये रहा दूसरा स्तंभ ना, ये इससे प्लस ये इससे, A2 टू F2 टू प्लस ए थ्री टू एफ थ्री, तो इनके गुणनफल का योग करोगे तो ये भी सारणी के मान के बराबर आएगा। तो ऐसे ही आप देख रहे हो तीन पंक्ति तीन स्तंभ, कोई सी पंक्ति ले सकते हो कोई सा स्तंभ, तो छह प्रकार से इसको मान निकाला जा सकता है। तो ये प्रसार हो रहा है।
ये क्या हो गया एक तरीके से, ये C2 के सापेक्ष ही प्रसार हो गया, लाई के सापेक्ष C2 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष प्रसार हो गया। लाई बन रहा है ये क्या हो गया R1 के सापेक्ष, तो इसको नोट कर लेना, समझना आ गया। इसी प्रकार आप छह प्रकार से निकाल सकते हो, कोई तीन पंक्ति है इसमें, तीन स्तंभ है, कोई सी पंक्ति पकड़ोगे उसी के सेकेंडरी में उनके गुणनफल का योग करोगे, सारे के प्रसार के बराबर आ जाएगा। अगर आप जनरल वे में समझना चाहो तो एक बार ऑप्शन में दे देता है इसका मान क्या होगा, तो ये देखो ये सीएम नजर आएगा तुम्हें, यह वन 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 टू वन टू वन थ्री वन थ्री, इसका मतलब क्या हुआ, अरे पहली पंक्ति की है उसी के सेकेंडरी है, ए वन टू फिर ए टू टू, मतलब दूसरी स्तंभ लिया उसी के सेकेंडरी है, सेम तो नजर आ रहे हैं, ये ऐसा है ये ऐसा, इसका मतलब दूसरे स्तंभ लिया उसी के सेकेंडरी है, उनके गुणनफल का योग में सारणी के मान के बराबर होगा। सौ पर का समझ आ रही है, एक से नजर आएगी तो ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, ठीक है ना। तो ये प्रमेय हमारी फर्स्ट प्रमेय थी, दूसरी प्रमेय क्या कहती है वो समझना है, ठीक है ना। दूसरी प्रमेय ये कहती है कि जैसे आपने क्या किया आर वन के तो अवयव लिए और आर वन के सेकंड नहीं लिए, आपने किसी अन्य पंक्ति के सेकंड ले लिए, क्या कह रहा हूं, जो पंक्ति लिया उसके सेकंड नहीं लिए, किसी अन्य पंक्ति के सेकंड ले लिए, या जो स्तंभ लिया उसके सेकंड नहीं लिए अन्य स्तंभ के ले लिए, तो सारे की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति, ये प्रमेय सेकंड कहते हैं, किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सेकंडों के साथ गुणनफल का योग डायरेक्टली याद रखना, ये शून्य होता है, प्रसार के बराबर नहीं होता, कितना होता है शून्य होता है, शून्य होता है। रिजल्ट याद रखना, सारे की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सेकंडों के साथ गुणनफल का योग शून्य आता है, ये ध्यान रखना। क्या बात है, मैं ये बात करना चाह रहा हूं, इसमें जैसे आपने आर वन के अवयव लिए और आर वन के सेकंड न लेके आपने आर टू के सेकंड ले डाले और उनके गुणनफल का योग किया तो उसकी वैल्यू शून्य आएगी, ठीक है ना। जैसे आर वन के अवयव लिए, समझना, एवं आर टू के सेकंड लिए, ये देखो क्या कर रहा हूं, आर वन के अवयव लिए और आर टू के सेकंड लिए, उनके गुणनफल का योग कर रहा हूं, तो जैसे देखो ए वन वन इसके तो अवयव इसके लिए, इसके लिए सेकंड, आर वन के तो अवयव लिए और आर टू के सेकंड लिए, तो ए वन वन एफ टू वन प्लस ए वन टू एफ टू टू प्लस ए वन थ्री एफ टू थ्री, तो इसका मान श्योर 100% कितना आएगा, जीरो आएगा, कितना आएगा जीरो। तो सारी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सेकंडों के साथ गुणनफल का योग शून्य होता है। जैसे आपने मान लो कुछ भी सी थ्री के सी टू के तो अवयव लिए एवं C2 के सेकंड लिए C3 के सेकंड लेंगे, यहां समझना, अब ये C2 के सेकंड C3 के अलग, तो C2 के अवयव साथ दिए हैं और C3 के सेकंड दिए हैं, तो इनके गुणनफल का योग करोगे, मतलब A12 F13 प्लस A22 F23 प्लस A32 F33, इसका रिजल्ट कितना आएगा, A12 F13 इसके अवयव ले रहा हूं, इसके अवयव को सेकंड ले रहा हूं, A12 F13 प्लस A22 F23 प्लस A32 F33, ये भी कितना आएगा जीरो आएगा। तो मुझे लगता है दोनों बात समझ में आ गई होगी, उपसारणी पर सेकंड कैसे निकालते समझ में आ गया होगा, उपसारणी में क्या करते हैं, ए आई जे का उपसारे आई में पंक्ति और जे में स्तंभ को छोड़ने पर बचा सारणिक होता है और ए आई जे का सेकंड क्या होता है, उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक सेकंड कहलाता है, मतलब उसके साथ उचित चिन्ह लगा देते हैं, उचित चिन्ह कौन सा, माइनस वन की पावर आई प्लस, ठीक है ना।
तो साड़ी और सेकंड हम आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद दो बातें बताइए, प्रॉब्लम बताइए दो, साड़ी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का उसी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग साड़ी के विस्तार के बराबर होता है। और साड़ी की किसी भी दूसरी बात क्या बताइए, साड़ी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग शून्य होता है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो किसी पर आधारित मैं आपको एक दो सवाल करता हूं, आपकी समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको बता रखी है, ठीक है ना, ये मैंने आपको उपसारणी को सेकंड वाली बात आपको पहले ही समझा दी है, ठीक है ना। हालांकि ज्यादातर केस में तो ये आपको पूछी नहीं जाती है, आरबीएससी बोर्ड में तो था, एनसीईआरटी वाले में नहीं है, लेकिन ये प्रमेय है, ये आपके पास समझ में आ जाती है तो आगे भी काम आएगी, ठीक है ना। उपसारणी को सेकंड, ठीक है ना, तो मैंने आज पहले ही करा दी है, ठीक है ना। फिलहाल में आपको उपसारणी को सेकंड निकाल के क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये 4.3 में आएगी, 4.4 में, ठीक है ना। देखते हैं उपसारणी को सेकंड का एक सवाल ले लेता हूँ, ठीक है ना। प्रश्नावली के सवाल आपको आगे जाकर मिलेंगे इसमें, ठीक है ना, अभी भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो उपसारणी को सेकंड करवा लेता है जब कभी, है ना। तो देखते हैं एक सवाल, देखते हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 22। फिर मैं आपको कल के सवालों को आगे बढ़ाऊंगा। तो क्या कह रहा है, साड़ी के अवयवों के उपसारणी को सेकंड ध्यान कीजिए और सत्यापित कीजिए K11+K12+K13+K13F33। जैसे एग्जाम्पल नंबर 22 ये आगे का है, ठीक है ना। ऑन डेट नंबर कितना दे रखा है, 135। ये कोई साड़ी है, साड़ी को डायरेक्ट डेट से लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2-3 5, 2-3 5, ठीक है ना, 6-0 4, 6-0 4, ठीक है ना। और क्या है, 1-5-7, 1-5-7, ये कोई सार, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। इसलिए अवयव K11, K12, K13, K21, K22 ऐसे है, ठीक है ना। ये देखिए अब हमें प्रत्येक अवयव का उपसारणी निकालना है, जैसे 2 का मतलब K11 का उपसारणी निकालना है, ठीक है ना। ये देखो तो क्या आएगा, इसको कैसे व्यक्त करोगे, M11 से, कैसे व्यक्त करोगे, M11 से। तो कैसे निकालोगे, पहले पंक्ति को छोड़ दोगे, पहले स्तंभ को, क्या आएगा, 0-4-5-7 आ गया। अब इसको सरल कैसे करोगे, ऊपर का बना नीचे 0 माइनस, नीचे का बना ऊपर, 5-4-20 क्या आएगा, -20। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये निकल गया 2 का उपसारणी, ठीक है ना। अब ऐसे ही मान लो इसका -3 का निकालना, सेकंड के साथ साथ निकाल सकते हो या बाद में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेकंड निकालना चाहो सेकंड निकालो, तो क्या आएगा, देखो आपकी बुक में ये एनसीईआरटी में इसको कैपिटल A11 नाम दे दिया, कैपिटल F11 भी दे सकते हो। तो कैसे निकालोगे, -1 की पावर 1+1 M1, उचित चिन्ह के साथ उपसारणी सेकंड कहलाता है। -1 की पावर 1+1 करोगे तो प्लस का आएगा, M11 और M11 का मान कैसे निकालेंगे, जो तुम्हें डायरेक्ट लिख लो माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये देखो निकल गया। ऐसे ही -3 कौन है, A12, ये समझाने के लिए दिया है, का उपसारणी निकाल दो, उपसारणी क्या आएगा, इसको कैसे लिखोगे आप, M12 क्या लिखोगे, M12 कैसे निकालोगे,
पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 6 4 1 -7, 6 4 1 -7, ठीक है ना। क्या आएगा ऊपर का गुणा नीचे 6 7 42 -4, क्या आएगा -24। और सेकंड क्या आएगा, क्या आएगा इसको कैसे लिखोगे, a1 2, f कैपिटल f1 2 भी लिख सकते हो, क्या आएगा -1 की पावर 1 + 2 m1 2। अब देखो यहां पर -1 की पावर 1 और 2 3 विषम आएगा, तो क्या आएगा माइनस ही तो आएगा, और m1 2 का मान आपने क्या निकाल दिया -46, यहां पर लिखोगे तो -46 तो -46 क्या हो जाएंगे प्लस। तो ध्यान रखना अगर इनका योग सम है तो जो गुसारे आएगा वही सेकंड आएगा, अगर इनका योग विषम है तो इसका पेंटी साइन आएगा मुक्ति चिन्ह का, मतलब अगर गुसारे का मान -46 है तो उसकी सेकंड का मान +46 आएगा। तो इसी प्रकार आप देखोगे एग्जाम में सारे मान निकाल रखेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसने क्या कहा है, एक रिजल्ट भी सत्यापित कीजिए, कौन सा ये कह रहा है ना, क्या है। तो इस प्रकार आप निकालेंगे इसके सारे मान, ठीक है ना, ठीक है। क्या कह रहा, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए क्या कि a11 a31 ये अवयव है, ये सेकंड है, ठीक है ना, कैपिटल लेटर का मतलब सेकंड है, वो स्मॉल लेटर का मतलब वो अवयव है। तो a11 a31 + a12 कैपिटल a32, अभी समझाऊंगा ये क्या कहना चाह रहा है, प्लस a13 कैपिटल a33, ये जीरो के बराबर शुरू करवा रहा है। और इसका मतलब क्या है, तरीके से देखा जाए तो ध्यान समझना, पहली तो पंक्ति चल रही है, देख रहा a11 a12 a13, और जो स्तंभ चल रहे हैं ना, सॉरी पंक्ति तो पहली चल रही और सर सेकंड चल रहे, इसके सेकंड नहीं चल रहे, तो एक से होते सेकंड तो अवयव तो R1 के चल रहे हैं, और सेकंड किसके आ रहे हैं पता है, R3 के, देख रहे हो A31 का सेकंड तो कैपिटल A31 आएगा, A32 का सेकंड तो कैपिटल A32 आएगा, A33 का, अरे इसको कैपिटल F F से भी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तरीके से R1 के तो अवयव है और R3 के सेकंड, अरे सेकंड वन को आप F11 करके लिख सकते हो, कैपिटल मैंने आपको शुरू में लिखा दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अलग अलग किताब अलग अलग रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है ना। अब NCERT में ये दिया है ऐसे लिख लो, आपको रेफरेंस बुक खरीद के लाओ टाइम दे तो उसमें कुछ और मिलेगा, किसी अदर राइटर की बुक पढ़ोगे तो उसमें कुछ अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो, ये अवयव है, सेकंड में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये तो आ गया ना 100% पूरी बात है, तो हमें ये प्रवेश सेकंड निकाली है, ये अब मैं इसी सवाल में निकाल देता हूं सारी चीजें, हालांकि आपने एग्जाम में तो आपने दे रखा है सारी चीज निकाली होगी ये, तो आप उसी में सेलेक्ट करके लिख देना, मैं यहीं पर निकाल देता हूं। तो a11 ये क्या होगा -1 की पावर 3 + 1 m31, अरे सेकंड निकालने के बाद और चिन्ह के साथ उसारे सेकंड कहलाता है, प्लस a12 a32, ठीक है ना, निकाल दो -1 की पावर 3 + 2 m3, ये आपने निकाल रखी है एग्जांपल में, तो सबके सारे को सेकंड निकलना है, तो उसमें देख के लिखने खाली, प्लस a13 और कैपिटल a33 -1 की पावर 3 + 3 m3, ठीक, माइनस की पावर समय प्लस आएगा तो प्लस का चिन्ह, तो a11 m31, माइनस की पावर विषम है तो माइनस आना ही आना है a1 m32, ये माइनस की पावर प्लस समय तो a13 m33, कंफ्यूज मत हो जाएगा,
आप तो ये इसमें ही सारे मान लगा देना, एग्जाम्पल में से जो निकाले हैं हम, सिर्फ मैंने सारे मान निकाल लिए थे तो मैंने यहां सरल कर दिया। अब इसमें मैं निकाल लूंगा आराम से a11 का मान कहां है, देखो 2 है। m31 कैसे निकालो है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3 5 0 4 माइनस, अब तुम कहोगे सर ये माइनस कहां से आया, तो ये चिन्ह था ना इसका, वैसे भी मानो तो नेगेटिव भी आएगा, यहां पर कितना है -3 -3 क्या हो गया प्लस। m32 का मान कितना कैसे निकालोगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दो, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा, 2 5 6 4 2 5 6 4 प्लस a13 5 है, a33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या आएगा, 2 -3 6 0 2 -3 6 समझ में आ रहा है, सरल कर दीजिए बस, क्या आएगा -12 -0 +3 8 -20 +5 0 -18 क्या आएगा 12 × 24 8 में से 20 में 22 -22 88 क्या आएगा, इसको सरल करेंगे आप,
ये 0-20 सरल करेंगे आप इसको क्या आएगा यहां से 742-4 और यहां से सरल करोगे तो क्या आएगा 5-6-20-0 समझ में आ रहा होगा। इसको सरल करो माइनस 20 दिया 7, 42 और 4 46 इसमें 3 का करोगे बड़ा 3 6 18 3 6 12 13 माइनस के 120 और प्लस के 50 दिया 150। इसको सरल करोगे आप ये 150 ये 120 12 बचेंगे प्लस के माइनस 7 प्लस 12 अब 12 माइनस का 45 है ठीक है ना। अब R1 के सापेक्ष जैसे कल आपको पढ़ाया था प्रसार कीजिए R1 के सापेक्ष विस्तार तो ये R1 के सापेक्ष ही विस्तार हुआ है। अगर आप अलग से करके देखोगे R1 के सापेक्ष विस्तार जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में लगाया था तो क्या आता है चिन्ह कैसे चलते हैं प्लस माइनस प्लस तो बिल्कुल वही चीज आएगी। प्लस 2 के लिए क्या लेगा ये और ये लेगा इसका बड़ा इससे 0 माइनस इसका बड़ा इससे 5 6 20 माइनस माइनस पहले से प्लस हो जाएगा ये हटेगा 6 7 42 माइनस 1 का बड़ा 4 से 4 प्लस प्लस माइनस प्लस 5 के लिए क्या आएगा ये हटेगा 6 का बड़ा 5 से 30 माइनस 1 का बड़ा 0 से 0 तो ये वही चीज आ गई ये भी लास्ट लाइन देखो तो ये दूसरा अगर पहली वाली बात बताई थी जो पंक्ति ले रहे उसी के संगत सेकंड ले दिए तो इनके गुणनफल का योग 1.5 के प्रसार के बराबर होता है। तो इस कैलकुलेशन को जब आप करोगे वही माइनस 20 दूनी 40 42 4 46 46 पर 3 से कम कौन आ 3 से 18 3 से 12 में 13 50 की 150 इनको जोड़ लो माइनस के 178 हो गए प्लस के 150 हो गए अब इसको घटा दो कितना आएगा माइनस के 28 आएगा यहां से कितना आ गया 120 दूनी 40 आप कैलकुलेशन दूसरी थी 20 दूनी 40 तो क्या आएगा ये माइनस के 40 प्लस के 12 माइनस के 28 करेक्शन कर लेना ऐसे यहां पर माइनस के 178 प्लस तो क्या आएगा यहां से माइनस के 28 तो ये लाइन समझ में आ रही है। तो उपसारणी और सेकंड वाली बात क्लियर है। कल मैं आपको अगली क्लास में जो सारणिक का विस्तार करते हैं उसी के ऊपर संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा फिर उसके बाद आएगा नया टॉपिक सारणिक के गुणधर्म। तो इस क्लास को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना आज के लिए इतना ही थैंक यू।